खान साहब को जेल में गए हुए 24 दिन हो गए, एक गैर कानूनी गैर आइनी फैसले के अंदर गिरफ्तार किया गया। आज हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह खान साहब की जमानत हो जाएगी, उनकी सजा जो है सस्पेंड हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको बताता जाऊं कि ये कहा जा रहा है कि साइबर वाले केस में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आईन का आर्टिकल 10(1) ये वाज़ह कहता है कि अगर बंदा गिरफ्तार है और आपने मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना है तो उसे लाजमी आपने इन्फॉर्म करना है कि आपको इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है या कर दिया गया है। अभी तक ना उन्हें इन्फॉर्मेशन है ना हमें इन्फॉर्मेशन है। तो अगर 6 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटों के अंदर अंदर कानून ये कहता है कि आपने मुतलका कोर्ट में उस बंदे को पेश करना है। तो अभी तक ना पेश किया गया, ना किसी जगह के ऊपर उन्हें इत्तला मिली है, ना हमें पता है। तो लिहाजा अगर पुरानी गिरफ्तारी डाली जाती है आज से 4 दिन पहले की, तो वो बिल्कुल गैर कानूनी होगी, वो आईन की खिलाफवर्जी होगी, वो गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। इंशाल्लाह इस केस के अंदर जमानत होती जाएगी और खान साहब को उम्मीद है कि रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा एक्शन होता है तो लीगली हमारे पास भी, हम पूरा हक रखते हैं, इंशाल्लाह उस हिसाब से हम प्रसू करेंगे। बहुत शुक्रिया।